बहुत सारे सुपर सस कमाने वाले यूट्यूबर्स माइनक्राफ्ट खेल रहे, तो मैंने सोचा मैं भी खेल लूं भाई। तो मतलब मैं तो पहले ही खेल चुका हूँ, पर मैं अभी सर्वाइवल से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं शुरू करूंगा जावा में, तो इसीलिए मैं खेल रहा हूँ जावा लॉन्चर में। अगर इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ बनाना है कि नहीं। और यहाँ पे इसका नाम देखेंगे हम, ये क्या हो गया, बस इतना ही करते हैं। बाकी सारे सेटिंग्स को डिफॉल्ट कर लेता हूँ मैं, बाकी कुछ भी सेटिंग्स नहीं करता हूँ। और हाँ, डाटा पैक भी मैंने कोई नहीं डाला। सो यस, मैंने यहाँ पे वर्ल्ड तो बना लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग कर रहा है मेरा वर्ल्ड, क्योंकि मैं अभी 1.19 में खेल रहा हूँ। मैंने 1.17 ट्राई किया था, जिसमें बिल्कुल भी लैग नहीं था। जब मैंने ऑप्टिफाइन डाला ना, 100 FPS आ रहे थे भाई। तो ठीक है, अभी मैं 1.19 में खेल रहा हूँ, देखते हैं इसमें, तो उसमें भी इतना लैग नहीं है, लेकिन अगर मैं रेंडर डिस्टेंस बहुत हाई कर लूँ ना, तब लैग हो रहा है। तो ठीक है, बेड भी मिल गया हमको, मार लेते हैं। अब बस एक शिप की जरूरत है हमें, और देखते वो मिलेगा कि नहीं, और यहाँ पे पेट तोड़ लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल आजा मेरे पास। क्या करते हैं, सीधा स्टोन एज पे चले जा चुके हम। यहाँ पे एक स्टोन का पिकैक्स बना लेता हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पे मेरे को गोल मिल चुके हैं भाई, एंड यहाँ पे थोड़ा वुड चाहिए मेरे को, ताकि मैं स्टिक बना के एक स्टोन का एक्स बना सकूँ। ठीक है, अभी मैं ना शीप्स को ढूंढता हूँ, शीप एक शीप मिल जाए बस। तो यहाँ पे मेरा गेम ना बहुत लैग कर रहा था, तो फिर मैं बिना रिकॉर्डिंग के ही सब कुछ ध्यान रखता, फिर तभी मेरे को यहाँ पे एक पम्पकिन का ये दिखता है, तो मुझे लगा यहाँ पे कोई विलेज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ, पहले इस पम्पकिन को तोड़ लेते हैं, तो उसके बाद विलेज ढूंढने चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पम्पकिन चलेगा ना। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे देखो, मैं तुम देख रहे होगे, मैं भाई यहाँ से ही मतलब आइटम्स को लेफ्ट हैंड में दे सकता हूँ बिना इन्वेंट्री को ओपन करी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो है इन्वेंट्री भाई जो आइटम्स होगी ना, उसके ऊपर डबल टैप कर देना, वो अपने लेफ्ट साइड चले जाएगा। यही कर रहा हूँ मैं यहाँ तब तक। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि मैं भाई पम्पकिन ले लूँ, लेकिन मैं भूल के उसको वहीं पे छोड़ा गया। तो अभी पूरा विलेज ढूंढ छांड मारते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग की वजह से लैग कर रहा है मेरा गेम। ओके, फिर शीप मिल गए। अबे एक नहीं, दो नहीं, तीन शीप मिल गए। खाना वगैरह तो मैंने ले लिया, और हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ गाइस, ये बस माइनक्राफ्ट के रूल्स की मेरे को करने पड़ रहे। एक बार विलेज मिल गया ना, मैं सब वेज खाऊंगा आज से। हाँ, मैं सिर्फ वेज खाऊंगा आज, विलेज ढूंढ लूंगा और आयरन आर्मर भी बना लूंगा। मैंने यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह तो चेंज करके रख लिए थे, लेकिन मैंने अभी देखा कि भाई रात होने को आई है, तो मैं फटाफट से बेड बना लेता हूँ मेरे लिए। यहाँ पे मैं विलेज ढूंढते ढूंढते जा ही रहा था, एंड यहाँ पे कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा होता है भाई, मैंने लिटरली इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। वो भाई, अबे वहाँ पे विलेज हो रहा हूँ पोस्ट। अबे यार, अब इसके पास भी कई पावर होते हैं भाई विलेजर्स पर, मुझे नहीं लगता मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए, यहीं से दूर से ही देख लेते हैं। वहाँ पे ऐले हो सकते हैं यार, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। अब यार देखो, मेरी तो फटके चार हो चुकी है, तुम यहाँ से जाने आया हो, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज देखो, जरा ये देखो क्या है, ये है क्या, ये क्या भाई, कैसा हुआ है ये। और यहाँ पे भाई सिर्फ कॉपर भरे पड़े हैं यार, आयरन होती तो ले लेता जाके। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। क्या हो तो मेरे को बहुत सारे मिल सके अभी तो, लेकिन मेरे को क्या हो नहीं, विलेज चाहिए। तो हाँ, मैं क्यों नहीं लूटने वाला अभी, अगर विलेज नहीं मिलता तो फिर क्यों के बारे में कुछ सोचते। ओ भाई साहब, अभी मेरे पीछे विलेजर्स फंस चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये विलेजर्स मेरे पीछे फंस चुके हैं भाई, भागो 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 भागो। ओके भाई, बहुत देर के बाद फाइनली मेरे को उनसे पीछा मिल चुका है भाई। ओ यार देखो, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था भाई, ये मारी जा रहे थे मेरे को, फाइनली चलो मैं तो बच गया यार। मेरे को विलेज नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना इस रविन में ही चले जाए, मतलब ये तो रविन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक
वे तो ये हाँ ठीक है चलो बच गया एंड यस चले जाते हैं इसी वे भाई, इसमें आयरन तो मिल ही जाएंगे आई गेस, और कहते ही मिल चुके हैं, पिकैक्स ले लेते हैं मेरा। और यहाँ पे मैं गलती से गिर गया भाई सब, मैं भाई मेरे को पता है मैं गिरने वाला हूँ, मतलब मैं फ्यूचर वाला हूँ, मेरे को पता था कि मैं गिर चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे को डर लग रहा है, लेकिन मैं इतने हार्ड में बचा हूँ यार। यहाँ पे अगर एक स्केलेटन होता मैं तो गया था, सही है यहाँ पे कोई मॉब्स नहीं थे, अब मैं बच गया भाई। भाई यार अंदर है, अंदर तो मेरे पास टॉर्च भी नहीं है, यही तो। अबे अबे क्रीपर 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 कहाँ से आ गया? अब बोल ना क्रीपर बेटू, अब मार साले, क्योंकि अब नीचे चले जाते हैं, ठीक है नीचे से मारते हैं अभी। एंड अबे ए ए भाई फट फट, सही है ज्यादा हेल्थ नहीं है मेरा। अबे ये कितना बड़ा क्यों भाई, वहाँ पे ग्लोइंग स्क्विड भी है वहाँ पे, एंड मुझे नहीं लगता यार अभी वो नीचे जाने चाहिए, क्या बोलते हो चले जाते हैं यार। ए ए भाई 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 यार नीचे जाते जाते ही मार देंगे तो ऐसे ही, ठीक है यार मैं तो ऊपर ही चल लेते हैं। अबे यहाँ पे तो इतना बड़ा क्यों किया, वापस से वहीं पे जाना पड़ेगा यार, थोड़ा बहुत खोल लेके चले जाते हैं यहाँ से। Run. चलो नाइन आयरन सही है, यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता पानी तो है, यहाँ पे जाना चाहिए आई थिंक मेरे को। ओ आयरन यहाँ पे छुपे के बैठे हो तो आर्मर बनने के लिए और थोड़े ही चाहिए, और मैं अभी आयरन पिकेक्स नहीं बनाता क्योंकि मुझे आलसी, मैं आलसी हूँ, जब स्टोन पिकेक्स से काम चल जाता है तो आयरन पिकेक्स की जरूरत क्या है। एडिटर सिग्मा रोल डाल दे। नहीं ठीक है। ओ ओ यहाँ पर भी आ गया ये स्केलेटन। रन। यहाँ पे ना मैं बेड लगा के सो जाता हूँ क्योंकि रात हो रही है, और वापस पे स्केलेटन नाम, ओ भाई अभी उसका स्टील, भाई इतना सारा भाई ने इतना ग्राइंड कर रही है, सब वेस्ट हो जाएगा यार इसमें यार। ओके मेरे रिस्पॉन्ड तो यही है, अबे यार ये तो भूल ही गया था मैं, यही पे मेरा रिस्पॉन्ड पॉइंट है। चलो सही है, इन्हें वहाँ से बेड तो लेकर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे आयरन है। ओके हो चुका है इतना आयरन आर्मर बनाने जितना, एंड आई थिंक मेरे को टूल्स वगैरह लेने के लिए यहाँ पे मिल भी चुके हैं आयरन। चलो चल भाई, अभी यहाँ तो मेरे को आयरन नहीं दिखे थे, ठीक है अभी क्या करता हूँ ना मैं यहाँ पे छोटा सा बेस बना के सारे आयरन मेरी पकड़ी को रख देता हूँ, अब मैं होने वाला हूँ यहाँ पे एफ के बहुत देर तक, तो एफ के होके मिलते हूँ मैं आप लोगों से बहुत देर बाद, क्योंकि मेरे को पता है मैं जल्दी नहीं आने वाला एफ के पास तो। एंड भाई मैं बहुत देर के बाद एफ के से वापस आया हूँ, एंड यहाँ पे मेरी आयरन पक चुके हैं, एंड ये ले सकता हूँ, और मेरे भाई मो सॉन नहीं कर रखा मैंने, चलो सही है अब देख सकते हो एडवांसमेंट भी अभी आया है, मतलब मैंने अभी अभी सब कुछ किया है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं। ओके अब पूरा आर्मर बना लेते हैं, आयरन से तो कवर हो चुकी है, अब देखना पड़ेगा कि डायमंड से कब कवर होंगे। अगर आप देखते सकते हो सब्सक्राइब का लाल कलर का या फिर ब्लैक कलर का या फिर व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। सारा सेटअप उठा लिया है, सेटअप मतलब वही का फर्नेस वगैरह यार हो क्या थे ज़्यादा नहीं थे, और यहाँ से कोल ले लेते एंड बाहर निकल दे यहाँ से। ओके सर मुझे लगता है यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर लेना अच्छा ही है, तो पहले मैं यहाँ पे अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ, एंड क्यों देखो भाई ये कितना बड़ा था, ओ भाई। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, और आई होप कि तुम लोग अबे विलेज मिल गई, अबे अबे विलेज मिल गई भाई, ये क्या था, अबे सच में पूरे घर में अभी अभी इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे कोऑर्डिनेट जरूर करने। तो हाँ यहाँ पे मेरे को मिल चुका था विलेज, तो मैं बहुत खुश था, एंड इसी बात पे तालियां हो जाए, लाइक हो जाए, जो भी यहाँ पे तक वीडियो देख रहा है थैंक्स, जो देख रहा है और जो नहीं देख रहा मैं कुछ बोल तो नहीं सकता उनको। और यहाँ पे भाई आर्मर पहन लेते हैं अपना, और मैं देखो थैंक यू यार।
विलेज माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट वाले बहुत अच्छे हैं गाइस, माइनक्राफ्ट वाले बहुत अच्छे हैं, बट नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। क्या माय लव मजाक कर रहे हैं? रख ए ये शीप तेरी बाली चढ़ा ले ताकि ये वीडियो में व्यूज आ जाए। चलो थैंक यू। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।